सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वाकई ही हमारी ज़िंदगी में बड़ा चेंज भी आया, डिज़ास्टर चेंज आया, और हमारी ख्वाहिशात जो मायूसी का आंसर है वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से आता है। कॉम्पिटिशन है कि भाई वो बड़े अच्छे लग रहे हैं, उनका लग्जरियस लाइफ है, हमारा नहीं है। आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो मैं हूँ, लेकिन वहाँ जाके मैंने एक बात ये सीखी कि मेरी ज़िंदगी बड़ी सादा सी थी पहले। अब मुझे लोगों को प्लीज़ करने के लिए ना एक वो ज़िंदगी दिखानी पड़ती है जो कि है ही नहीं। काफ़ी बार ऐसा होता है जो कि हम वो चीज़ दिखाते हैं जो कि नहीं होती। हम अपनी वही बात की, द आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन हैज़ डाइड, जो भी मैम ने कहा उसको वही मैं कंटिन्यू करूँगी कहते हुए कि दिस इज़ समथिंग वेरी ग्रेट। और यही बात एक्चुअली रियलिटी में भी है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से हालचाल पूछने के बजाय एक दूसरे से ये पूछते हैं, वो वाले रेस्टोरेंट का खाना ट्राई किया, हाउ इज़ द रेटिंग, वहाँ का खाना सस्ता है, अफोर्डेबल है, और अच्छा इस ब्रांड से लिया, इसका न्यू कलेक्शन का बार है, एग्जैक्टली हाइड्रोफेशियल कहाँ का अच्छा है। दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन दैट्स इंपॉर्टेंट, या दिस इज़ ये वो कॉन्वर्सेशन है जो मुझसे लोग करते हैं। अगर कोई मेरे पास फॉलोइंग में कोई दूसरे ब्रांड आ रहे हैं, कोलैबोरेशन है या मार्केटिंग है, हाल चाल तो है ही नहीं ना। बिल्कुल सही, कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा मैं कैसी हूँ। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ। नहीं, वैसे इनकी बात अपार्ट फ्रॉम द जो बड़ी खूबसूरत बात की है, और बड़ा मतलब ये बहादुरी से इस बात का इकरार किया है कि भाई वो लाइफ भी आप दिखाते हैं जो एक्चुअल नहीं है। अब सोशल मीडिया पे आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, पीस करने के लिए, या फॉर एग्जांपल को कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में तो वो अपनी जो लाइफ नहीं होती ओरिजिनल वो भी दिखा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं फिर ये मायूसी का भी फैक्टर आ जाता है कि भाई वो फला इस तरह मायूसी का फैक्टर इस तरह से भी कह सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ये खुद ऑब्जर्व किया है। मेरे दोस्त पहले बहुत लिमिटेड थे। मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे सिर्फ 50 फॉलोअर्स थे। आज मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, आज सब मेरे दोस्त हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो सोशल मीडिया पे मैं लाइफ शोकेस हो रही है वो रियलिटी है। मगर वही बात, जब तक आप समंदर की गहराई में नहीं, अब समंदर में नहीं कूदते आपको नहीं पता होता समंदर कितना गहरा है। क्या बात है, खूबसूरत बातें, मतलब माशाल्लाह उमैमा जैसे आप खूबसूरत हैं, खूबसूरत बातें करती हैं, और इस चीज को बड़ा पॉजिटिव लीजिएगा। देखें, कहते हैं कि भाई आप अगर किसी बंदे से इंसाफ करना चाह रहे हैं तो आप जो डिजर्व करते हैं आप उनको कम से कम ये दें।